हाय फ्रेंड, वेलकम बैक। मैं धर्मवीर डाविंसी इंस्टीट्यूट से। आज का जो टॉपिक है मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन, यही वो टॉपिक है जो आपको सीखना ही सीखना है, क्योंकि पूरे मैट्रिक्स में अगर आपको मल्टीप्लिकेशन आता है तो समझो कुछ आता, वरना कुछ भी नहीं आता है। ये 15 मिनट का करीब वीडियो रहेगा। इस 15 मिनट में पूरा का पूरा मैं मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन मैं आपको सिखा दूंगा, और आगे का जितना भी टॉपिक हम लोग पढ़ेंगे मैट्रिक्स में वो सब कुछ इसी पर डिपेंड होगा। मैं दोबारा कहता हूं, इसी पे डिपेंड होगा। तो आपको मल्टीप्लिकेशन बहुत अच्छी तरह से आना चाहिए। ध्यान से देखिए, इसके लिए कंडीशन मैं लिख देता हूं। कंडीशन, पहला कॉलम, फर्स्ट मैट्रिक्स का जो कॉलम होगा और सेकेंड मैट्रिक्स का जो रो होगा वो इक्वल होना चाहिए। सबसे पहला कंडीशन तो यही आपको पता होना चाहिए कि फर्स्ट मैट्रिक्स का जो कॉलम होगा और सेकेंड मैट्रिक्स का रो होगा वो आपस में इक्वल होना चाहिए। ठीक है, इसे हम कहते हैं प्री मल्टीप्लायर। दिस इज कॉल्ड प्री मल्टीप्लायर। ठीक है, और इसे हम कहते हैं पोस्ट मल्टीप्लायर। ठीक है, तो प्री मल्टीप्लायर, पोस्ट मल्टीप्लायर। अब देखिए, मैं एक एक चीज करके आपको बता रहा हूं, ध्यान से देखिएगा। अगर एक मैट्रिक्स ऐसा मिल जाए 1 2 3, ठीक है, और एक मैट्रिक्स आपको ऐसा मिल जाए -2 1 एंड वी आर गेटिंग एज अ 4, ऐसा मैट्रिक्स मिल जाए। ठीक है, तो इसका ऑर्डर अगर मैं पूछूं तो 1 रो और कॉलम जो है 3 है, 3 कॉलम 1 रो, तो 1/3 लिखेंगे, क्योंकि पहले हम रो देखते हैं उसके बाद कॉलम लिखते हैं। यहां देखिए 1 2 3, 3/1, 3 रो 1 कॉलम। ठीक है, 3 रो 1 कॉलम मैंने यहां पर लिखा। अब मल्टीप्लाई करने का जो प्रोसेस होता है, इसका ये ट्रिक होता है, ध्यान से देखिए। माइंड में एकदम बढ़िया से प्रोसेस सीख लीजिए, टैटू कर लीजिए एकदम बढ़िया से। हॉरिजेंटल रो को कॉलम के साथ हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं, जो हॉरिजेंटल है ना उसको वर्टिकल के साथ मल्टीप्लाई करते हैं। तो करेंगे कैसे, इसके अंदर मान लो कि 3 एलिमेंट है और इसमें भी हमारे पास 3 एलिमेंट है। ठीक है, 3 एलिमेंट यहां भी, 3 एलिमेंट यहां भी। तो फर्स्ट को फर्स्ट के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, सेकंड को सेकंड के साथ करेंगे और थर्ड को थर्ड के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। रो को कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करना है। मल्टीप्लाई करते वक्त अगर रो में 3 एलिमेंट है तो फर्स्ट को फर्स्ट के साथ, सेकंड को सेकंड के साथ, थर्ड को थर्ड के साथ। मैं करके बताता हूं, माइंड में बढ़िया से सीख जाइए। 1 को मल्टीप्लाई किया -2 के साथ, तो मैं पहले लिख करके दिखाता हूं 1 × -2, बीच में प्लस करना है आपको। ठीक है, आपको प्लस भी करनी है। 2 को 1 के साथ मल्टीप्लाई करो, इसका सेकंड 2 और इसका सेकंड 1, 2 × 1 प्लस, उसके बाद जो बच गया 3 और इसका जो लास्ट वाला, इसको 3 नहीं कह सकते, लास्ट में जो बचा हुआ है, इसका लास्ट में जो बचा हुआ है, इसे मल्टीप्लाई करना है, 3 × 4 हो गया। और जो नया मैट्रिक्स निकलेगा उसका ऑर्डर क्या होगा ये आपको पता होना चाहिए। ऑर्डर देखिए, ये कॉलम और रो बिल्कुल सेम सेम है। अभी जस्ट कंडीशन बताया था कि कॉलम और रो बिल्कुल सेम होगा तभी जाकर मल्टीप्लाई पॉसिबल है। तो देखिए, तो ये 1/3, 3/1 कह रहा है, तो ये तो हट जाएगा, तो बचा क्या, 1/1 बचेगा आपका। इसको हम लोग बाई पढ़ते हैं। ठीक है, मल्टीप्लीकेशन बहुत 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 इंपॉर्टेंट है आपका। इसको एक बार ऐड कर लीजिए, ठीक है, क्योंकि 1 रो 1 कॉलम होना चाहिए। ये दिखने में लग रहा 3, नहीं, इसको ऐड करना है अभी। जब ऐड करोगे तो ये इसका आंसर आएगा। तो बताओ मुझे कितना होगा, -2 + 2, ये तो कट जाएगा, बचा ओनली 12 और नेट आंसर 1/1। यही इसका मान लो सी नाम का एक मैट्रिक्स हो गया, क्योंकि ए नाम का था, बी नाम का था, और दोनों को जब मैंने मल्टीप्लाई किया तो वी विल गेट सी मैट्रिक्स। ठीक है, जिसका ऑर्डर कितना होना है, 1/1 होगा। अब देखिए, इसी क्वेश्चन में थोड़ा मैं और चेंज कर देता हूं। अगर मान लो ऐसा क्वेश्चन दे दिया जाए, सपोज ए -1
टू एंड थ्री, और बी एक ऐसा मैट्रिक्स है टू थ्री वन माइनस टू फोर एंड टू दिया हो, ठीक है। ध्यान से देखिए, क्या ये मल्टीप्लाई हो सकता है ए बी, पहले चेक करते हैं। वन बाई थ्री, और यहां जो दिख रहा है दिस इज थ्री बाई टू दिख रहा है। वन रो थ्री कॉलम, वन टू थ्री रो टू कॉलम। तो सबसे पहले अपने आप से क्वेश्चन करो, क्या ए बी मल्टीप्लाई हो सकता है, माइनस वन टू और थ्री लिखा, और यहां लिखा टू थ्री वन माइनस टू फोर एंड टू होगा। तो बोलोगे हाँ सर ये हो सकता है, क्यों होगा, क्योंकि इसका कॉलम थ्री है और इसका रो भी थ्री है, ये मल्टीप्लाई पॉसिबल होगा, ठीक है। अगर मल्टीप्लाई होगा तो कैसे हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे, देखिए अभी बताया रो वन आर वन को मल्टीप्लाई करेंगे कॉलम वन के साथ, आर वन को मल्टीप्लाई करेंगे कॉलम टू के साथ। जैसे आपने सीखा होगा सिक्स सेवन एट में, अगर ऐसा मिल जाए तो ए को मल्टीप्लाई करते हैं बी के साथ और ए को मल्टीप्लाई करते हैं हम लोग सी के साथ, ठीक है। तो उसी तरह से आर वन को मल्टीप्लाई करेंगे कॉलम वन के साथ और आर वन को मल्टीप्लाई करेंगे कॉलम टू के साथ। लेकिन मल्टीप्लाई करते वक्त वही रूल, अगर रो कॉलम के साथ मल्टीप्लाई होगा तो रो में जितने भी एलिमेंट है, कॉलम में जितने एलिमेंट है, फर्स्ट को फर्स्ट के साथ, सेकेंड को सेकेंड के साथ मल्टीप्लाई करनी है आपको, ठीक है। तो देखो माइनस वन को टू के साथ मल्टीप्लाई कर लो, तो आप चाहो तो लिख भी सकते हो माइनस वन इंटू टू, ठीक है। और इसका ऑर्डर वन बाई थ्री, यहां थ्री बाई टू है, नेट ऑर्डर क्या बचेगा पता है, वन बाई टू, मतलब एक रो कॉलम दो, ठीक है। बीच में प्लस, देखो मैं अभी तो पूरा प्रोसेस करके दिखा रहा हूं, मल्टीप्लाई करके एक एक चीज लिख रहा हूं, लेकिन आप क्या करना है इसको जल्दी जल्दी मल्टीप्लाई करना, डायरेक्ट हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। देखिए माइनस वन को टू से किया, फिर सेकंड को इसके सेकंड से करना है, तो लिख देता हूं मैं टू इंटू वन प्लस, अभी मैं बार बार बता रहा हूं, अभी मैं लिख करके शो कर रहा हूं ताकि आप बढ़िया से सीख सको, ठीक है। थ्री को फोर के साथ, इसका थ्री थर्ड वाला, इसका थर्ड वाला फोर है, थ्री इंटू कितना लिखूंगा मैं, फोर कर दिया। अब देखो फिर ये क्या था, R1 को मल्टीप्लाई किया कॉलम वन के साथ, उसी तरह R1 को मल्टीप्लाई करेंगे हम लोग कॉलम टू के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, R1 कॉलम टू, तो प्रोसेस तो वही है ना, फर्स्ट को फर्स्ट के साथ, सेकंड को सेकंड के साथ, इसका फर्स्ट माइनस वन, इसका फर्स्ट थ्री हो गया, बीच में प्लस, इसका हो गया टू इंटू माइनस टू, इसका हो गया प्लस थ्री इंटू टू हो गया, वन बाई मैंने टू लिखा, ठीक है, वन बाई टू लिखा। ये जो है ना आर वन इंटू कॉलम टू के साथ मल्टीप्लाई मैंने किया। अब इसको लेकर के सॉल्व कर लो, देखो ये तो कट जाएगा, बचेगा ट्वेल्व, इसे हटा दीजिए, देखिए क्या करना है, ये सिक्स, सिक्स में से थ्री जाएगा थ्री, और माइनस फोर है, माइनस फोर में थ्री चला जाएगा माइनस वन, ठीक है, ये हमारा आंसर आ गया। तो इसका ऑर्डर वन बाई टू हो गया। एक बार बढ़िया से चेक कर लो, या तो माइनस थ्री माइनस फोर करोगे माइनस सेवन, और माइनस सेवन में सिक्स अगर ऐड कर लोगे माइनस वन आ जाएगा, ये फाइनल आंसर आपका आएगा। एक और क्वेश्चन हम लोग करते हैं, देखिए अगर मान लो p इक्वल टू ऐसा हो जाए टू माइनस थ्री फोर, वन थ्री टू, ठीक है। एक और लेता हूं मैं q, और यहां लिखा माइनस थ्री टू वन फोर वन थ्री, ये रखा मैंने। इसका अगर मैं ऑर्डर पूछता हूं तो आप लोग बताओगे वन रो टू रो, तो टू बाई कितना लिखा मैंने, थ्री कर दिया, टू बाई थ्री मैंने लिखा। एक चीज और देखिए, इसका देखिए वन टू और थ्री, तो मैं लिखूंगा थ्री बाई टू कर दिया, ठीक है। इसका ऑर्डर, एक का ऑर्डर है टू बाई थ्री, दूसरे का जो ऑर्डर है दिस इज थ्री बाई टू मैंने कर लिया, क्लियर। अब देखिए इसका कॉलम और इसका रो बिल्कुल सेम सेम है, दोनों आपस में सेम सेम है, तो जब सेम सेम है तो मल्टीप्लाई पॉसिबल हो सकता है। प्रोसेस पहले देख लीजिएगा क्या आपको करना है, तो पी और क्यू को मल्टीप्लाई करना है, पी क्यू मल्टीप्लाई करना है, टू माइनस थ्री फोर, वन थ्री टू,
ठीक है, और यहां लिख रहा हूं माइनस थ्री टू वन फोर वन एंड थ्री मैंने लिखा, ठीक है। आइए तो इसको हम लोग कैसे मल्टीप्लाई करेंगे, ध्यान से देखिएगा। अभी जस्ट बताया कि R1 को, ये जो रो है ना हॉरिजेंटल R1 को, पहले आप R1 को मल्टीप्लाई करोगे कॉलम 1 के साथ, R1 कॉलम 1 के साथ, फिर R1 कॉलम 2 के साथ, लिखा R1 इनटू मैंने C2 कर दिया कॉलम 2 के साथ, फिर क्या करेंगे R2 को कॉलम 1 के साथ, R2 इनटू कॉलम 1, फिर R2 को कॉलम 2 के साथ, R2 इनटू कॉलम 2 किया। ये प्रोसेस पहले देख लीजिए बढ़िया से कैसे मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। अब मैं इसका डायरेक्ट बता रहा हूं क्या लिखना है आपको, ठीक है। चलिए इसको अगर हम लिखते हैं तो ये रहा फर्स्ट को, इसके फर्स्ट के साथ मल्टीप्लाई कीजिए। अब डायरेक्ट लिखेंगे माइनस सिक्स बीच में प्लस, माइनस थ्री को मल्टीप्लाई करो वन के साथ तो आ जाएगा माइनस थ्री आ जाएगा बीच में प्लस, और फोर वन ये आ जाएगा फोर, तो ये जो थ्री बचा ना इधर से बचेगा आपका थर्ड वाला फोर इंटू वन, ठीक है फोर हो गया, बीच में प्लस कर दिया। उसी तरह R1 को मल्टीप्लाई करो कॉलम 2 के साथ मल्टीप्लाई करो, प्रोसेस आपको बता दिया गया बिल्कुल उसी प्रोसेस में करेंगे, फर्स्ट को फर्स्ट के साथ सेकंड को सेकंड के साथ। तो देखो जी 2 को 2 के साथ मल्टीप्लाई कर लो, ये हो गया 4, माइनस 3 इंटू 4 किया माइनस 12, प्लस 4 इंटू 3 किया वी आर गेटिंग 12, ठीक है। अब उसी तरह से कॉलम R2, R2 को लो और कॉलम 1 के साथ मल्टीप्लाई कर लो, तो ये हो गया माइनस 3 प्लस 3, देखिए फर्स्ट इसका फर्स्ट, ठीक है, इसका सेकंड इसका सेकंड, तो प्लस 3, और इसका थर्ड प्लस मैंने लिखा 2, ठीक है। उसी तरह R2 को कॉलम 2 के साथ मल्टीप्लाई करो, इसका फर्स्ट 2 प्लस 12 प्लस 6, ठीक है। और बस क्या करना है आपको, एक लाइन में यहां पर आंसर लिख देना है। तो होना है क्या जी, डायरेक्ट बताओ, इसमें अगर सॉल्व करते हैं तो माइनस 9 और प्लस 4 मैंने किया तो माइनस 5, ये कैंसिल होकर के 4 वी विल गेट, ये कैंसिल होकर के 2 हो जाएगा, इसको आप ऐड कर लो सब मिलाकर 20 इसका आंसर हो गया, तो यही 2x2 ऑर्डर आपका यहां पर आंसर आएगा। समझ में आ रहा है, ओके 2x2 इसका आंसर यहां पर आएगा, देख लीजिए। अब इसी क्वेश्चन को हम लोग ऐसे भी कोई पूछ सकता है, क्या हम ऐसे भी बना सकते हैं सर, क्या क्यूपी भी इसका निकल सकता है, ये तो मैंने पीक्यू बताया ना, क्या इसका क्यूपी भी निकल सकता है, चेक करके देख लेते हैं। पहले मुझे क्यू रखना होगा माइनस 3 2 1 4 1 3, ठीक है, और पी को रख लो 2 माइनस 3 4 1 3 2, ठीक है, इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं, दिस इज 3 बाई ये हो गया 2 ऑर्डर और ये हो गया 2x3, तो बोलोगे हाँ सर ये देखिए मल्टीप्लाई पॉसिबल है, इसका भी कॉलम और इसका रो बिल्कुल सेम होगा। तो मल्टीप्लाई करने के लिए क्या करेंगे जरा बता दो, किसको किसके मल्टीप्लाई करना है, और ये एक ऐसा मैट्रिक्स है जिसका पता है ऑर्डर क्या बनेगा, जिसका ऑर्डर बनेगा 3x3 का बनेगा, क्योंकि ये और ये बिल्कुल सेम है, बचा क्या 3 और 3, यही इसका पूरा का पूरा ऑर्डर बचेगा। अब इसमें मल्टीप्लाई क्या करेंगे, ये तो आपको पता है कि R1 को लेंगे कॉलम 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, R1 इनटू कॉलम 1 कर दो, फिर क्या करना है R1 को मल्टीप्लाई करना है कॉलम 2 के साथ मल्टीप्लाई करना है, और फिर R1 इनटू कॉलम 3 के साथ मल्टीप्लाई करना है, एक बार कॉलम 1 कॉलम 2 कॉलम 3, ठीक है। फिर क्या करना है, ये R2 R2 को मल्टीप्लाई कर लो कॉलम 1 R2 को मल्टीप्लाई करो कॉलम 2 R2 को मल्टीप्लाई कर दो कॉलम 3, उसी तरह से R3 को मल्टीप्लाई कर लो कॉलम 1 R3 को मल्टीप्लाई कर लो कॉलम 2 और R3 को मल्टीप्लाई कर लो कॉलम 3, और बीच में ऐड करते चले जाना है, फर्स्ट को फर्स्ट के साथ सेकंड को सेकंड के साथ, पता चल रहा है। मैं एक रो खाली निकाल के आपको बता देता हूं ताकि आप सीख जाओगे, फर्स्ट को फर्स्ट के साथ जरा बताइए, इसका फर्स्ट माइनस 3 और 2 बताओ कितना माइनस 6 बीच में प्लस करेंगे हम लोग, इसका सेकंड में 2 और इसके सेकंड में 1 तो 2 इंटू 1 किया 2 हो जाएगा, ठीक है ये देखिए। उसी तरह क्या करना है, फिर R1 को कॉलम 2 के साथ,
तो माइनस थ्री तो ये हो जाएगा नाइन। फिर क्या करो, बीच में प्लस कर लो, वी आर गेटिंग एज अ सिक्स। इसका सेकंड टू और इसका सेकंड थ्री है, सिक्स कर लिया। फिर आर वन को मल्टीप्लाई करो कॉलम थ्री के साथ, तो माइनस थ्री फोर किया, माइनस ट्वेल्व बीच में प्लस, टू इंटू टू किया फोर। ये देखो उसी तरह बाकी सारा का सारा हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, आइए एक और क्वेश्चन खाली हम लोग कर लेते हैं। इस क्वेश्चन को देखिए, क्या ये मल्टीप्लाई पॉसिबल हो पाएगा, अगर होगा तो कैसे। माइनस थ्री फोर वन टू वन टू थ्री वन वन, और यहां पर एक कह रहा है बी, लिखा मैंने टू माइनस वन टू वन वन और वन। ठीक है, इसका ऑर्डर थ्री बाई थ्री है, इसका ऑर्डर टू बाई थ्री। इसमें थ्री रो है और थ्री कॉलम है, टू रो है और थ्री कॉलम है। इसको देखते हैं क्या ये मल्टीप्लाई पॉसिबल है ए बी। तो बोलोगे सर कि यहां पर थ्री है यहां पे टू है, ये नॉट पॉसिबल, ये पॉसिबल आपका नहीं हो पाएगा। ठीक है, इसकी मल्टीप्लीकेशन ए बी पॉसिबल नहीं है क्योंकि कॉलम और रो सही नहीं है। अच्छा, इसका उल्टा भी सीखते हैं हम लोग, क्या बी ए पॉसिबल हो सकता है। ध्यान से देखिए, टू माइनस वन टू वन वन वन, ठीक है, और यहां लिखेंगे माइनस थ्री फोर वन टू वन टू थ्री वन वन। क्लियर, इसका ऑर्डर टू बाई थ्री, इसका ऑर्डर थ्री बाई थ्री दिया हुआ है। क्लियर, क्या ये पॉसिबल हो सकता है मल्टीप्लीकेशन। ऑफकोर्स ये पॉसिबल हो सकता है। क्यों पॉसिबल हो सकता है, आप जरा ध्यान से देखिए, आपको पता है कि क्यों पॉसिबल हो सकता है। अब देखो, क्योंकि इसका जो कॉलम है और इसका जो रो है बिल्कुल मैच कर रहा है, तो मैच कर रहा है तो प्रोसेस सिखाया गया था, फर्स्ट को फर्स्ट के साथ, सेकंड को सेकंड के साथ, थर्ड को थर्ड के साथ मल्टीप्लाई कीजिए और बीच में प्लस करते चले जाइए। मैं एक रो करके दिखाता हूं, बाद बाकी आप लोग खुद कर लीजिएगा। तो करेंगे क्या, फर्स्ट को फर्स्ट के साथ माइनस सिक्स, यहां माइनस वन माइनस टू माइनस टू, प्लस टू इंटू थ्री ये हो जाएगा सिक्स। ठीक है, उसी तरह आर वन को मल्टीप्लाई करेंगे कॉलम वन के साथ, तो टू इंटू फोर किया एट, माइनस वन इंटू माइनस वन माइनस वन, टू इंटू वन प्लस टू हो जाएगा। उसी तरह आर वन को किया कॉलम थ्री के साथ, तो हो जाएगा टू माइनस टू और प्लस टू हो जाएगा। देखा, इसी तरह सारा का सारा हम लोग मल्टीप्लाई करते चले जाएंगे। तो उम्मीद करता हूं मैं समझा पा रहा हूं आप लोगों को, बाद बाकी आप लोग खुद ब खुद बना लीजिएगा। मैं बस आपको बताना चाह रहा हूं कि हम लोग मल्टीप्लीकेशन करते कैसे हैं, उसका प्रोसेस क्या है, उसकी स्ट्रेटेजी क्या है। अगर ये चीज आपने सीख गया ना, तो आगे का जितना भी टॉपिक है ना, बढ़िया से बना लोगे। क्लियर, और आगे इसके बाद हम इसका प्रॉपर्टी पढ़ाएंगे और एक्सरसाइज 5.3 जितने भी, बहुत अच्छा टॉपिक है, काफी लंबा टॉपिक है, क्वेश्चन आने का चांसेस यहां पे ज्यादा होता है, वो हम लोग बनाएंगे। ठीक है, आज के लिए इतना ही रखता हूं। स्टे ब्लेस्ड, स्टे हैप्पी, स्टे ऑसम।